Hello everyone, welcome back in my YouTube channel. So today we are looking at metastable ion, which is a part of mass spectroscopy. And spectroscopy is semester 3rd ke liye important topic hai. Ye previous year mein bhi aata hai. Mass spectroscopy mein parents ion hote hain, matlab jo ions hain spectrometer ke, wo ions fragment ho gaye, phir wo ban gaye daughter ion mein. Ab us daughter ion ka nature kya hai, uske upar ek plus charge hoga ya phir wo honge neutral molecule या रेडिकल. ओके, तो ये उनका नेचर है. अब आयन जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर के, उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि जब वो निकलेंगे वहाँ से आफ्टर लीविंग, वो फ्रैगमेंट हो जाएंगे, टूट जाएंगे एंड बिफोर अराइविंग एट द डिटेक्टर. ये कब, कौन से टाइम के दौरान उन्होंने फ्रैगमेंट करनी है, मतलब उस जब वो निकलेंगे एंड डिटेक्टर से पहुँचने से पहले पहले उन्होंने अपना काम कर लेना है, उसने टूट जाना है. तो यहाँ पर मैंने नीचे ये भी बता दिया है, जो M पॉजिटिव है वो पेरेंट्स आयन है एंड A पॉजिटिव जो है वो डॉटर आयन है एंड N इज डोनेटेड फॉर अ न्यूट्रल आयन. M नेगेटिव जो है, जो एक आयन है वो लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी के साथ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. ठीक है, कहाँ पर टूटेगा, वो आयनाइजेशन सोर्स में टूटेगा. तब एक नॉर्मल A पॉजिटिव आयन निकलता है. दिस ए पॉजिटिव आयन विल बी सीन एज अ नैरो पीक. इसको हम नैरो पीक में देख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हम नीचे मैंने डिफाइन किया है, मास ओवर चार्ज आयन के हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डायग्राम में आपको नजर आया, आयन सोर्स में वो टूट गए एंड हमें नैरो पीक में ए पॉजिटिव आयन जो है वो नज़र आएगा एंड डिटेक्टर से हम उसको देख सकते हैं. जो एम वन पॉजिटिव आयन है वो था पेरेंट्स आयन, वो डॉटर आयन में भी ब्रेक डाउन हो सकता है, वो नॉन चार्ज पार्टिकल भी बन सकता है. अब एम वन पॉजिटिव जब डीकम्पोज होता है एम टू पॉजिटिव में, उस सिचुएशन को इंटरमीडिएट सिचुएशन कहते हैं एंड जब हम उसको एक्सेलरेटेड करने के ट्राई करते हैं तो रिजल्टेंट में जो डॉटर आयन एम टू पॉजिटिव होता है उसको हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते, चाहे वो एम वन हो या एम टू हो. बट हाँ, एट द पोजिशन ऑफ एम स्टार एक ब्रॉड पुअर फोकस पीक नज़र आती है. तो यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है, पुअर फोकस आती है जिस वजह से इस तरीके के आयन को, जो आयन स्टेबल रहे लेकिन प्रॉपर वे से नहीं रहे क्योंकि हमने इसको पुअरली फोकस किया है, तो इस तरीके के आयन्स को हम मेटास्टेबल आयन कहते हैं. नेचर क्या होता है, कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये आयन बाकी आयन में से अलग हैं, क्योंकि इसकी लोअर काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, नॉर्मल आयन की कंपैरेटिवली M1 एंड M2 जो नॉर्मल आयन है, दिस मेटास्टेबल आयन अराइज फ्रॉम द फ्रेगमेंटेशन. हमें पता है ये फ्रेगमेंटेशन से आया है एंड दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द फ्लाइट डाउन थ्रू आयन रेदर देन आयनाइजेशन चैम्बर. आयनाइजेशन चैम्बर में से निकल कर नहीं आया है, ये फ्लाइट डाउन करने से आया है. एंड सिग्निफिकेंस क्या है, इसको कैसे हम यूज़ करते हैं, इसको यूज़ किया जाता है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेसिस में. मेटास्टेबल आयन माइक्रोसेकेंड्स में ही अपना वर्क कर देते हैं, जिसके वजह से इसको यूज़ किया जाता है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेसिस में. ठीक है, एंड एट लास्ट मैं यही बोलना चाहती हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो जितना कंसेप्ट मुझे समझ आया, जितना मैंने रिवाइज किया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अगर आपको कोई चीज़ गलत लगी है तो आप पॉजिटिवली कमेंट्स में बता सकते हैं. अगर आपको कोई और टॉपिक्स के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं टॉपिक का नेम साथ में केमिस्ट्री क्वीन लिखकर. हाँ जी, और साथ में मेरे हैंड रिटन नोट्स का PDF भी आपको मिल जाएगा, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.